चिड़िया थी जो रोज दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पार बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी घोड़े पर उसने एक चने का दाना पाया। वह उसे लेकर चक्की में दरने के लिए गई। दाल दरते दरते एक दाल खूंटे में फंसी रह गई। एक ही दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे निकालने की अपनी ओर से बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। चिड़िया बढ़ई के पास गई और उससे खूंटे में फंसी दाल बाहर निकालने को कहा। बढ़ई कुछ और काम कर रहा था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे बहुत मिन्नत की। उसने कहा, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरा, खूंटे में मोर दाल बार, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेश जाऊं। बढ़ई ने उसकी एक न सुनी और उसे दुत्कार कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा ऐसे बढ़ई को दंड दो जो मुझ जरूरतमंद की बात नहीं सुनता। राजा के पास कहां इतनी फुर्सत थी कि नन्ही चिड़िया की बात सब काम छोड़कर सुनता। जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी? रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक न सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उड़ी सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से निकले सांप से अपनी विनती दोहराई। उसने अपनी राम कहानी सुनाकर विषैले सांप से कहा कि तुम जाकर उस रानी को डसो जो गरीब की गुहार नहीं सुनती, जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा से न्याय नहीं दिला सकी और न ही राजा को छोड़ सकी, तुम जाकर उसे क्यों नहीं डस लेते। सांप ने भी इसमें अपनी असमर्थता जताई। तब भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की कि तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। बांस की लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर मोल लेती? उसने भी इनकार किया तो गौरैया गुस्से से भर उठी और उड़कर भड़गुजे के यहाँ भवक रही आग के पास जा पहुंची और उसे ललकारा।
हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो, जिसमें वह बांस के पेड़ हैं, जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती, कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाही, तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सुना दी। फिर आग ने इतनी छोटी सी बात के लिए जब गौरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया, तो गौरैया बहुत दुखी हुई। लेकिन निराश नहीं, वह सागर के पास पहुंचे और उसे अपनी पूरी बात सुनाकर आरजू की। सागर सागर आग बुझावा, आग ना जंगल जारे, जंगल ना लाठी पटवे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा तजे, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटे में मोर दाल पा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेश जाऊं। विशाल सागर भला गौरैया की इस गुहार को क्यों सुनता, वह अपनी मस्ती में हंसता हुआ गुजरता रहा और गौरैया उसके किनारे अपना सिर धुलती रही। सुबह से शाम होने को आई, गौरैया को जब यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास पहुंची। हाथी के पास उसने अनुनय की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ, उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है, बलवान होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता, जानते हो हमारे साथ क्या गुजरी है। और वह गा गा कर पूरी व्यथा कथा हाथी को सुनाने लगी। हाथी हाथी सागर सोखो, सागर ना आग बुझावे, आग ना जंगल जारे, जंगल ना लाठी पटवे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा तजे, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल पा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेश जाऊं। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ, उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता हुआ अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते मस्ती में आगे निकल गया। अब नन्ही गौरैया का धीरज टूटने लगा, वह थककर चूर हो गई थी, जहाँ की तहाँ बैठी लाचार सी होकर आंसू बहाने लगी। सारी दुनिया उसे अंधेरी दिखाई देने लगी। किस किस से उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बेसहारा लाचार की करुण पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसके पैरों के पास एक नन्ही सी चींटी आकर उसका हाल पूछने लगी। उसने देखा नन्ही नन्ही चींटियों की एक लंबी कतार एक के पीछे एक बहुत ही अनुशासित ढंग से चली आ रही है। उसने ध्यान से देखा उनका अद्भुत संगठन और अथक परिश्रम। वे बड़ी फूर्ती, तत्परता और सुनियोजित ढंग से अपना काम मिलजुल कर किए जा रही थी। चींटियों ने आकर उसे घेर लिया और गौरैया से पूरा वृतांत सुना। सुनकर सहानुभूति के साथ बोली, बहन, इस दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता और न ही बैठकर आंसू बहाने से कुछ होता है। हिम्मत हार कर बैठना तो कायरता है। चलो चलो हमारे साथ, हम न्याय दिलाएंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। चलते चलते चिड़िया यह सोचती रही कि भला यह नन्ही नन्ही चींटियां मेरी क्या मदद करेंगी, जबकि बड़ों बड़ों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरे किसी काम न आए। खैर चलो देखते हैं, कोई तो मेरी मदद के लिए आगे आया है। चींटी बहना हमारा साथ देने चली है तो उसकी फौज भी तो है उसके पीछे, फिर घबराना क्या, देखते हैं क्या होता है।
गौरैया सोचती चली जा रही थी, तभी चींटियों ने उससे कहा कि तुम किसी पास की पेड़ की डाल पर थोड़ी देर बैठो और देखो मैं क्या करती हूँ, कैसे पहाड़ जैसा हाथी मेरे इशारे पर नाचने लगता है और तुम्हारे काम के लिए दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास जाता है। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता, मिलजुल कर जुगत लगाने से ही समस्याओं के समाधान का रास्ता निकलता है। गौरैया फुर्र से पास के पेड़ की डाल पर जा बैठी और चकित होकर चींटियों की असंभव सी लगने वाली बातों को कारगर होते अपनी आंखों के सामने देखती रही। चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से सरक कर उसके कान तक जा पहुंची। हाथी अपने सूप जैसे कान हिलाता, सूंड से अपने माथे पर फूंक मारता ही रह गया और चींटी उसके कान में घुसकर उसे तंग करने लगी और उसे समझाने लगी। बड़े बड़े बलवान यदि अपने बल अहंकार में चूर होकर दीन हीन छोटों की सहायता न करें तो उन्हें भी भान होना चाहिए कि काम पड़ने पर छोटे भी यदि अपनी आन बान के लिए अड़ जाएं तो बड़ों बड़ों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अभी तो मैं अकेले आई हूँ किंतु मेरे पीछे असंख्य चींटियों की लंबी कतार चली आ रही है, कहीं सबने एक साथ चढ़ाई कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने प्राण संकट में क्यों डालते हो, मेरी नेक सलाह यही है कि तुम सीधी तरह चलकर गौरैया का काम करो, नहीं तो आगे समझ लो मरता क्या ना करता। हाथी झुंझलाहट और घबराहट में चींटी की बात मानने को लाचार हो गया। वह यह कहते हुए गौरैया के काम के लिए सागर को सोखने को तैयार हो गया। चींटी ने हाथी का पिंड छोड़ दिया और गौरैया उसे धन्यवाद देते हुए हाथी के पीछे पीछे उड़ती वापस सागर की ओर लौटी। हाथी जैसे ही सागर के पास उसे सोखने के इरादे से पहुंचा, सागर हाथ जोड़कर बोला, मोहे सोखो ओखो मत कोई, हम आग बुझाई भलोई। सागर जब अपनी तटों की सीमा छोड़कर आग बुझाने के लिए उमड़ा, आग ने थरथर कांपते हुए गौरैया का काम करने का वचन दिया और कहा, मोहे बुझाओ बुझाओ मत कोई, हम जंगल जा भिलोई। आग जंगल को जलाने के लिए बढ़ी, गौरैया भी साथ चली आ रही है। यह जानकर जंगल ने भी वादा किया, मैं लाठी को सांप मारने के लिए तुरंत भेजता हूँ, लेकिन मुझे जलाकर राख मत करो। मोहे जारो रो मत कोई, हम सांपवा मारा भिलोई। सांप के क्या मजाल, जो जंगल की बसवारियों में अनगिनत लाठियों की मार से भयभीत न हो। उसने भी बिल से बाहर आकर गौरैया को भरोसा दिया, मोहे मारो रो मत कोई, हम रानी न सब लोई। रानी ने जब सांप को महल में आते देखा और उसके साथ गौरैया को आते देखा तो वह पूरी बात का अनुमान कर पसीने पसीने हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मोहे डसो सो मत कोई, हम राजाता जब लोई। रानी के उस वचन के बाद भला राजा क्यों अपने हट पर टिकता, उसे तो गौरैया के धीरज अथक परिश्रम और सूझबूझ का समाचार मिल चुका था। उसने अपनी लापरवाही और अन्याय के लिए क्षमा मांगते हुए फौरन बढ़ई को बुलाने का वचन दिया और कहा, मोहे तजो जो
क्या था। बढ़ई ने राजा के सामने आकर गौरैया की बात न मानने का अपराध कबूल किया और थर थर कांपते हुए राजा से गिड़गिड़ाकर विनती की। गौरैया को और क्या चाहिए था। गौरैया बढ़ई के साथ उस चक्की के खूंटे के पास पहुंची, जिसमें चने की दाल फंसी हुई थी। बढ़ई ने खूंटे से दाल निकाल कर दी और गौरैया उसे अपनी चोंच में लेकर अपने घोंसले में जा पहुंची, जहां उसके नन्हे नन्हे बच्चे जब से वह गई थी उसकी राह में आंखें बिछाए भूखे प्यासे बैठे थे। बच्चों ने चहचहाकर उसका स्वागत किया और वह अपने चोंच से चने का दाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और गुनगुनाकर पूरी कहानी सुनाने लगी कि कैसे उसने अपनी हिम्मत से काम लिया। बड़े बड़ों ने उसकी बात मानकर उसकी मदद की, लेकिन जब वह केवल रो गिड़गिड़ा रही थी तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मदद के लिए आगे आईं तो वे चींटियां, जिनकी संगठित सेना के सामने हाथी भी लाचार हो गया। सच ही कहा गया है, सब उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करना जानता है।